आए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। Having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें देश के 50वें CJI के तौर पर पद की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ का सुप्रीम कोर्ट से पुराना रिश्ता है और वो सुप्रीम कोर्ट के कामकाजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता लगभग 7 साल और 4 महीने तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जो शीर्ष अदालत के इतिहास में किसी CJI का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। वह 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। चलिए अब आपको जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और इनकी माता प्रभा शास्त्रीय संगीतज्ञ थीं। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में BA ऑनर्स किया। इसके बाद कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की, फिर अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM और साथ ही न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को जून 1998 में बंबई हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया था और वो उसी वर्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2013 तक बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाले सुप्रीम कोर्ट की पीठों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें से अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि, सबरीमाला, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े जैसे फैसले शामिल हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले कहा कि जस्टिस UU ललित के उत्तराधिकारी के रूप में उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो अच्छे काम शुरू किए वो उनको जारी रखेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार जस्टिस UU ललित के लिए आयोजित विदाई समारोह को संबोधित किया और कहा कि 49वें CJI ने उल्लेखनीय नेतृत्व किया और वो अपने कार्यकाल के दौरान न्याय तक पहुंच बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध रहे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ उस फैसले के लिए भी जाने जाते हैं जिसमें उन्होंने अपने ही पिता के फैसले को पलट कर रख दिया था। कानून और न्यायशास्त्र को समझने का उनका अलग नजरिया है। 28 अप्रैल 1976 को जस्टिस DY चंद्रचूड़ 5 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे। उस पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, नागरिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों से संपर्क करने का अधिकार नहीं है। इसके 41 साल बाद उनके बेटे और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि ADM जबलपुर वाले मामले में बहुमत बनाने वाले सभी 4 जजों के दिए फैसले में गंभीर त्रुटियां हैं। ADM जबलपुर के फैसले द्वारा पैदा की गई अधिकांश समस्याओं को 44वें संविधान संशोधन द्वारा ठीक कर दिया गया था। I will uphold the constitution and the laws.